बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी देबो खान ब्यूटी टिप्स, वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वायरल हैंड्स वाइटनिंग मास्क जो है वो शेयर करूंगी। ये एक ऐसा मास्क है जिसके फर्स्ट यूज़ से ही आपके हैंड्स का टैन, कालापन, खुरदरापन, इवन के डलनेस सब निकल जाएगा। ये मास्क जो है एक मैजिक का काम करेगा। ये नहायत ही पावरफुल रेमेडी है, हैंड्स एंड फीट्स को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करेगा। ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका मजीद टाइम ज़ाय किए बिना आते हैं रेमेडी की तरफ और आपको बताते हैं कि आज हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, हमें कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और इसे कैसे प्रिपेयर करना है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह करनी है। आते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। जी जनाब, आज की रेमेडी के लिए हमें सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड होगा वो होगा लेमन जूस। ये मैंने हाफ लेमन लिया है और मैं आपसे अगेन कहूँगी कि जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता वो इसके अल्टरनेट टमाटो जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छा जनाब, इस वाइटनिंग पैक को आपने अपने जस्ट हैंड्स पे, अपने बाजुओं पे, अपनी फीट पे यूज़ करना है। आपने इसको फेस पे हरगिज़ भी यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी नेक पे डलनेस है, कालापन है, तो आप अपनी नेक पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। जी जनाब, जो सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होगा वो होगा बेसन। एक स्पून मैंने बेसन लिया है। नेक्स्ट जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होगा वो होगा कॉफ़ी हाफ। अच्छा जनाब, अब हम रेमेडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये हाफ जो जूस है लेमन का, इसके अंदर ऐड कर लूँगी, अच्छे से इसको निकाल लूँगी, इसको वेस्ट नहीं करना। अच्छे से इसको निकाल के आपने इसमें ऐड कर लेना है। बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो सीड्स हैं वो आप पहले से निकाल लें, मैं उसको निकाल चुकी हूँ। अच्छा जनाब, अब जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है कॉफ़ी। हाफ स्पून चला गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट और लास्ट जो इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो होगा बेसन। एक स्पून आप इसके अंदर बेसन का ऐड कर देंगी और इसके बाद हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको प्रॉपरली मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और एक फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए। जनाब, अब करूँगी इसकी एप्लीकेशन। ये होगी इसकी एप्लीकेशन और फिर मिलूँगी 15 मिनट के बाद। जी जनाब, ये देखिए आप, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है। मैंने इसको 15 मिनट किया, आप इसको कोशिश करें कि अच्छे से कंप्लीट ड्राई हो जाए। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको रिमूव किस तरह करना है। आपने इस तरह रोज़ वाटर लेना, उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको 5 से 10 सेकेंड, जैसे कि मैं आपको बताया था, इसका मसाज करेंगे हम। अच्छे से इसको मसाज करना है फिंगर्स का प्रेशर देके, जहाँ पे आपको लगता है कि डलनेस है, टैन है, जहाँ से आपको लगता है कि ब्लैकनेस है, आपने उन जगहों पर ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह आपने मसाज करते जाना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मसाज के दौरान ही, तो हम इसको वॉश कर लेंगे और मैं आपके सामने वॉश भी करूँगी। इसको आपके सामने मैं साफ़ करके भी आपको दिखाऊँगी। जी जनाब, अब करते हैं इसको वॉश और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, आपको फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसको मैं अच्छे से पानी के साथ वॉश करके तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, डिफरेंस आपको खुद ही फील होगा। जी जनाब, ये देखिए, मैं इसको वॉश करके आ गई हूँ और वॉश करने के बाद ये आपके सामने मैं इस तरह साफ भी कर रही हूँ और रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिज़ल्ट जो है वो आपको इसके नज़र आ रहे हैं। इस मास्क को आप डेली भी कर सकती हैं विद नो साइड इफेक्ट, क्योंकि हैंड्स फीट की स्किन जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, वो सॉफ्ट नहीं होती, नाजुक नहीं होती, तो हम इस रेमेडी को डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। डेली बेसिस करने के बाद रिज़ल्ट तो आप खुद ही देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि आपको एक घर बैठे ज़बरदस्त सी, ईजी सी, क्विक सी रेमेडी मिल गई है। तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, तो इसको लाइक तो मिलने ही चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।